नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारी फिनलैंड की 7 अप्रूवल इकट्ठी आई हैं स्टूडेंट वीज़ाज़ की, और साथ में स्पाउस भी है। इसके अंदर वोकेशनल वाले भी स्टूडेंट हैं एक, और आई थिंक सो 2 या 3 स्टूडेंट हमारे बैचलर के हैं, एक मास्टर का, एक पीजी डिप्लोमा वाला भी है। ये टोटल 7 अप्रूवल्स हैं, और इसमें मैं टाइम लाइंस के बारे में भी बताऊँगा, क्योंकि फिनलैंड का जो सिस्टम है आफ्टर बायोमेट्रिक दे आर टेकिंग वेरी प्रॉम्प्ट एक्शंस, बट अभी कुछ केसेस डिले चल रहे हैं वहाँ पर इंटर फिनलैंड या जहाँ जो उनकी इमिग्रेशन अथॉरिटी है। तो अभी क्या टाइम लगा है इन अप्रूवल्स में, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा इस वीडियो के थ्रू। अगर आपका फिनलैंड का किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन आ चुका है, आप ऑलरेडी फिनलैंड के अंदर हैं, इनसाइड हैं, आप अपनी फिनलैंड की रेजिडेंसी एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। अभी आप देखिए कि ऐसा कंसल्टेंट कहाँ से मिलेगा जो आपको इनसाइड फिनलैंड में आपकी रेजिडेंसी एक्सटेंशन करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में हैं, वहाँ से अगर फर्दर आप किसी प्रोग्राम में एडमिशन फाइंड आउट कर रहे हैं, या अपना कोई वीज़ा को चेंज करवाना चाहते हैं, उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट पीजी डिप्लोमा में फिनलैंड में जाते हैं, जिसको मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। पीजी डिप्लोमा उन बच्चों के लिए है जिसके 5.5 बैंड है, बैचलर की हुई है, जिसका एडमिशन ही कहीं से नहीं आ रहा, तो देन वी कैन थिंक कि चलो अभी आपका हम पीजी डिप्लोमा में डाल देते हैं। तो ऐसे है कि जब आप हमारे पास आते हैं, आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद वी आर गिविंग ए मैक्सिमम ऑप्शंस फॉर फिनलैंड कि आपके हम कौन कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे। आइदर वो बैचलर है, आइदर वो वोकेशनल है, आइदर वो मास्टर है, आइदर वो टीचर ट्रेनिंग्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट फिर डिसाइड करता है कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। आपका एडमिशन आ चुका है, आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। आपने अपना एडमिशन अपने लेवल पर ले लिया हुआ है, आप अपनी रेजिडेंसी फिनलैंड की अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। आप ऑलरेडी फिनलैंड में पहुँच चुके हैं, पहुँचने के बाद आप अपनी स्पाउस को या डिपेंडेंट बच्चों को इन्वाइट करवाना चाहते हैं, तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसमें भी कैसे स्पाउस की रेजिडेंसी अप्लाई होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। आप ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में हैं, अपने पेरेंट्स को वहाँ पर टूरिज्म के लिए बुलाना चाहते हैं, तो हम आपका टूरिस्ट वीज़ा में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये 7 जो अप्रूवल्स आई हैं, जो डिफरेंट लोकेशंस के स्टूडेंट हैं, इवन दिल्ली का भी स्टूडेंट है इसके अंदर, कलकत्ता के भी 2 स्टूडेंट हैं, पंजाब के भी स्टूडेंट हैं, राजस्थान के भी स्टूडेंट हैं, मतलब डिफरेंट लोकेशन से हैं। तो इसके अंदर एक ऐसे स्टूडेंट की भी एडमिशन आई है जिसको वोकेशनल में एडमिशन मिला है, जिसकी स्टडी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन उस स्टूडेंट के 7.5 आयल्स बैंड भी थे, उसने ऑलरेडी बैचलर भी की हुई थी। तो मैंने जब उसका केस लिया था, तो मैंने कहा कि वोकेशनल में वहाँ पर क्लीनर का प्रोग्राम है, तो क्या आप करना चाहते हैं? तो मेरे पास अगर मैंने 10 लोगों से इसके बारे में ऑप्शन पूछा था, तो उसमें से 6 या 7 बच्चों ने कहा कि मैंने क्लीनर का जो वोकेशनल प्रोग्राम वो नहीं करना। अब ये देखिए, इस बच्चे ने क्लीनर के प्रोग्राम में अप्लाई किया है। देखिए, क्लीनर का वोकेशनल प्रोग्राम था और 7.5 बैंड थे, बैचलर भी की हुई थी, तब भी वहाँ जा, क्योंकि उसको बेनिफिट मालूम है कि मुझे स्टडी फ्री मिल रही है और मैं फिनलैंड में जा रहा हूँ। तो कुछ लोग इसने नहीं अप्लाई किया, तो जिन्होंने नहीं अप्लाई किया उनको पहले वाले प्रोग्राम में भी एडमिशन नहीं मिला जिसमें उन्होंने अप्लाई भी किया था। क्यों? क्योंकि उसके में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया होगा, या उनके परसेंटेज कम होंगे हुए होंगे। इसलिए मैं मैक्सिमम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता हूँ जब आप हमारे पास आते हैं, कि आप मैक्सिमम एप्लीकेशंस में हम आपका डालेंगे। आइदर बैचलर है, इसके अलावा भी हम आपको सब्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि देर इज़ नो एनी एप्लीकेशन फीस ऑफ एनी ऑफ द वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के, जब आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अभी मैं टाइमलाइन के बारे में बताऊं, तो 30 मई को बच्चे के बायोमेट्रिक हुए थे, और 11 जुलाई को 30 मई को हुए थे और 11 जुलाई को उसका ये अप्रूवल आया है। आप ये लिखिए अप्रोक्स 1.5 महीने के बाद, तो अभी 1.5 महीना, 2 महीने भी लग रहे हैं रेजिडेंसी अप्रूवल को आफ्टर बायोमेट्रिक। कुछ टाइम पहले, अभी पिछले साल की भी बात करूँ, तो बायोमेट्रिक जब हम करवाते थे 4-5 घंटे के अंदर ये डिसीज़न आ जाता था, ऐसे भी था 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर।
तो आज की डेट में जो प्रोसेसिंग टाइम है रेजिडेंसी का वो भी इनक्रीज हुआ है और पेशेंस से चलना पड़ेगा। और अपने कंसल्टेंट की आप देखिए कि कितनी नॉलेज है और डिफरेंट डिफरेंट सबके टाइम है, किसी का एक महीने के अंदर भी आया है। तो ये वाले जो केसेस हैं डेढ़ डेढ़ दो दो महीने के अंदर अप्रूव होकर आए हैं, तो इनकी जो अलग अलग इनकी जो टाइमलाइंस थी, तो इनकी सेपरेट वीडियोस भी आएंगी हमारे पास। इन सक्सेस जो 7 स्टोरीज हैं उनको भी मैं आने वाले टाइम में अपने इसमें चैनल के ऊपर लेकर आऊँगा, क्योंकि बच्चों की अप्रूवल मेल के ऊपर आती है जो मेल हम हैंडल करते हैं। तो जो रेजिडेंसी कार्ड है वो बच्चे के घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर होता है ना, तो हम बच्चे का कोई रेजिडेंसी कार्ड भी अपने ऑफिस में नहीं मंगवाते। सारा कुछ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, ना कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ना कोई ओरिजिनल पासपोर्ट, और आपका अपना एड्रेस घर में वहीं पे आपको मिलता है रेजिडेंसी कार्ड। और जब आपका रेजिडेंसी कार्ड आ जाता है उसके बाद हमने जो भी फीस डिसाइड की होती है वो हम स्टूडेंट से ले लेते हैं। तो अभी आपने जेन फैब इनटेक में फिनलैंड में 2024 में जाना है, तो उनके पोर्टल कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ओपन हो चुके हैं, कुछ के बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं, चाहे वो ज्वाइंट है, चाहे वो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, चाहे व्हाट्सएवर है, तो उसके लिए आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें ताकि हम आपका एज अर्ली एज पॉसिबल वहाँ पर एडमिशन डालें। और फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार की हुई है स्टडी इन फिनलैंड, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ फिनलैंड की वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसका लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।